मम्मी मैं नहीं रहना सो रहे हैं दे तुसी मेनू ले जाओ आगे। यो पुत की होया? थानू पता ये सारी अनपढ़ ने। अच्छा तैनू कि में पता? मेनू रोज सवेरे सवेरे 10-11 बजे उठा के कहंदे ने टाइम देखी जरा टाइम देखी जरा। इन्हानू टाइम तक नहीं देखना आता मम्मी। मैं किद्दां रहूंगी इत्थे? मैं नहीं रहना मम्मी। सुनो। हाँ? ये कल्लू हलवाई कौन है? कल्लू हलवाई? हलवाई के नाम से सेवा तो हलवाई होगा। पर ये तुम्हें जानू क्यों कह रहा है? जानू? वो मुझे प्यार से जानू बुलाता है। अच्छा तो क्या इसका हलवाई के अलावा लिपस्टिक का भी बिजनेस है? लिपस्टिक का? लिपस्टिक का क्यों होगा? हलवाई का काम अलग है, लिपस्टिक का काम अलग है, दोनों काम अलग है। तो फिर ये तुमसे ये क्यों पूछ रहा है कि नई वाली लिपस्टिक का टेस्ट कैसा लगा? तुम सुधरोगे नहीं ना, इतनी मुश्किल से तुम्हारी मिट्टी खाने की आदत छुड़वाई थी, अब तुम लिपस्टिक भी खाने लगे। तभी तुम्हारे पेट में दर्द होता है रात में, कीड़े पड़ जाएंगे कीड़े। फोन लाओ मैं इसे ब्लॉक करूं। नहीं मैं कर दूंगा। फिर जल्दी करो। कर दिया। लिपस्टिक खाएंगे। क्या खा रहे हो? पान खा रहा हूँ। ठीक किया, वैसे भी बदबू बहुत आती है तुम्हारे मुंह से। आज पता है जब पान बनवा रहा था ना, तुम्हारे पापा की याद आ गई। पापा की याद कैसे आ गई? पापा को तो मैंने कभी पान खाते हुए नहीं देखा। पान बनाते बनाते जब पान वाले ने पूछा ना, भैया चूना कितना लगा दूं, इसी बात पे याद आ गई बस। मतलब क्या तुम्हारा इस बात से? शादी के टाइम पे तुम्हारे पापा ने जब वेलकम किया था मेरा, तो मुझे पान खिलाया था ना। शादी वाले दिन तो मुझे याद है, मेरे भाई ने खिलाया था, पापा ने थोड़ा ना खिलाया था पान तुम्हें। क्या फर्क पड़ता है वैसे भी, भैया ने खिलाया हो पापा ने खिलाया हो, चूना तो मुझे ही लगाया है। क्या मतलब है तुम्हारा, चूना लगाया हम लोगों ने तुम्हें? मेरे कहने का मतलब है उस पान में ना बहुत चूना लगा हुआ था यार, मेरा मुंह कड़वा हो गया था तब और आज तक कड़वा है। सब समझ रही हूँ तुम्हारी बातें, जो तुम गोल गोल घुमा रहे हो ना यहाँ बैठ के मुझे। पता चूना लगाना किसे कहते हैं? शादी के टाइम तुम लोगों ने मिलाई के नाम पे बोला था ना कि चांदी के सिक्के चाहिए, और तो जो शादी की डेकोरेशन होगी ना भाई साहब 1 किलोमीटर दूर से लाइटिंग लगा देना। नहीं एक तो मेरे भाई ने तुम्हें बोल दिया अजय जी सूट ना अपनी पसंद का सिलवा लेना, तो तुमने क्या किया 20-20 हजार रुपए के बिल थमा दिए, 1500 रुपए का कपड़ा गली के मोहल्ले के जो दर्जी होते ना उनसे सिलवा रखा था, सबको पता चल रहा था क्या वैल्यू है सूट की। बात करा लो, हमने लगाया इन्हें चूड़ी। अरे यार बात तो सुनो, क्या हो गया यार? बात मत करो मुझसे। यार क्या हुआ, मैंने भाभी को नमस्ते तो बोला था बस। नमस्ते करने का भी तरीका होता है, ऐसे नमस्ते भाभी जी, और तुम नमस्ते भाभी जी।